नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की स्टोरी भी एडवांस लेवल की स्टोरी है। स्टोरी एडवांस लेवल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे नए और इम्पॉर्टेंट और एडवांस लेवल की वोकैबलरी मिलने वाली है। जी हाँ, आज की स्टोरी में आप देखेंगे आपको 30 से 35 ऐसे सेंटेंस सॉरी वर्ड्स मिलने वाले हैं, वोकैबलरी मिलने वाली है जो आपने नहीं सुनी होगी या सुने होंगे तो मीनिंग आपको नहीं पता होगा। बहुत ही एडवांस लेवल की स्टोरी आज की होने वाली है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे, पूरे डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले। स्टोरी बहुत ही अलग है, राजा महाराजा से हट के स्टोरी है, बहुत ही बहादुरी भरी वाली स्टोरी है। यदि आपको है ना अच्छे से इंग्लिश सीखनी है, बोलना सीखना है, ट्रांसलेशन करना है या राइटिंग भी सीखनी है, तो इस प्रकार की स्टोरीज आप जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो आपको पूरा ग्रामर से आपको क्लियर होते हैं कि कहाँ पे कौन सा टेंस लगता है, वोकैबलरी कौन सी यूज़ करना है, कौन से वर्ब का फॉर्म यूज़ करना है, हर एक चीज़ डिटेल में आपको समझ आता है। फिर आप जब लिखते हो, बोलते हो या पढ़ते हो तो आपको सब क्लियर हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे हमें किस प्रकार से इसे ट्रांसलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द टाइगर। टाइगर मतलब था बाघ, ठीक है। बहुत से लोग शेर बोल देते हैं बट बाघ होता है, बाघ अलग होता है, इसके शरीर पे ऐसे धारी बना होता है, और लायन अलग होता है, सिंह या शेर जिसके है ना ऐसे बाल होते हैं, जो शेर होते हैं उसके चेहरे पे। फुटहिल्स ऑफ उत्तरांचल स्टेट, फुटहिल्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं तलहटी या निचली पहाड़ी को फुटहिल्स कहते हैं, तो निचली पहाड़ियों पर उत्तराखंड स्टेट के A मेन ईटर टाइगर हैड बिकम अ टेरर इन द एरिया बॉर्डरिंग धुधवा, लिखा हुआ ना, हाँ धुधवा नेशनल रिजर्व, वहाँ पे धुधवा नेशनल रिजर्व है जहाँ पे है ना जानवरों को संरक्षित किया जाता है। अ मेन ईटर है ना, मैन ईटर रहने का था, मैन यानी आदमी, ईटर यानी खाने वाला, तो आदमी खाने वाला टाइगर, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, नरभक्षक, ऐसा बोलते नरभक्षी, आदमी इंसान खाने वाला उसे मैन ईटर कहा जाता है। एक नरभक्षक बाघ हैड बिकम, बन गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, बिकम फर्स्ट फॉर्म भी होता है और बिकेम सेकेंड और बिकम थर्ड फॉर्म, तो बिकम फर्स्ट भी होता है थर्ड भी होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अ टेरर यानी एक आतंक बन चुका था इन द एरिया बॉर्डरिंग यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र, बॉर्डर है ना तो सीमा है ना, धुधवा नेशनल रिजर्व के जो उसके बॉर्डर का एरिया था, सीमा के इलाका था, वहाँ उसका डर है ना क्या हो गया था, उस शेर का, जो आदमखोर शेर का डर चारों तरफ फैल गया था। It had already killed dozens of pet animals, cattle, 3 or 4 kids and some women. It had already, फिर देखिए had के साथ killed लिखा हुआ है, तो ये भी आपका past perfect tense है, kill का second और third form दोनों killed killed ही होता है, फिर दिया था, चुका था, चुकी थी। It यानी उसने या इसने के it का use करते हैं। Had already killed, उसने है ना पहले से ही मार चुका था डजन्स यानी दर्जनों पेट एनिमल्स पालतू जानवरों, कैटल पशुओं को, 3 या 4 बच्चों को और कुछ औरतों को, विमिन यानी एक से ज़्यादा औरत को विमिन बोलते हैं, और यहीं पे एक औरत होती तो हम उसे वुमेन कहते हैं ना, वुमेन एक औरत, यहीं पे ई लग जाता है तो उसे विमिन बोलते हैं, वुमेन नहीं बोलेंगे विमिन बोलेंगे, तो प्लूरल है वुमेन का विमिन, और कुछ औरतों को है ना मार चुका था, तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म तो चुका था, चुकी थी, गया था, गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। द पीपल वुड शट देमसेल्व्स इन देयर होम्स, द पीपल यानी लोग, वुड का बहुत सारा यूज होता है बट वुड का यहाँ पे यूज क्या करते थे, किया करते थे, तो पास्ट में कुछ चीज करते थे तो वहां पे वुड का यूज करते हैं, जैसे यूज टू का यूज किया जाता है ना वैसे वुड का यूज किया जाता है, तो लोग क्या करते थे, शट यानी बंद कर देते थे देमसेल्व्स खुद को, इन यानी में देयर होम्स अपने घरों में बंद कर दिया करते थे, एज क्योंकि द इवनिंग फेल, एज यानी जब भी होता ना, जब इवनिंग फेल्स का मतलब शाम ढलती थी या शाम होती थी, उसे इवनिंग फेल्स बोलते, फेल शाम पड़ती थी, शाम गिरना ऐसे मीनिंग है बट नॉर्मली इसका मीनिंग क्या निकालते हैं, शाम हो जाती थी तब सब अपने आप को घरों में बंद कर देते थे, क्यों, उसके डर के कारण। एंड दे डेयर टू कम आउट ओनली, और वे डेयर्ड यानी हिम्मत करते थे, टू कम आउट यानी बाहर निकलने की, ओनली सिर्फ वेन, जब इट वॉज ब्राइटनेस ऑफ द डे,
इट वॉज, जब क्या क्या था, ब्राइटनेस ऑफ द डे, यानी दिन की रोशनी में ही, जब दिन की रोशनी हो तभी वो लोग खुद को बाहर निकालने की हिम्मत करते थे, निकलने की. सम पीपल हु हैड गॉन आउट टू आंसर, सम पीपल यानी कुछ लोग, हु यानी जो, हैड गॉन आउट यानी बाहर गए थे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हैड के साथ गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म है, जो बाहर गए थे टू आंसर यानी जवाब देने के लिए नेचर्स कॉल, प्रकृति के, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा कॉमा का की के, प्रकृति के कॉल यानी पुकार, इन द सेमी डार्कनेस. सेमी डार्कनेस यानी होता है ना पूरा अंधेरा होता है ना पूरा उजाला, जो धुंधलापन होता है ना उसे सेमी डार्कनेस बोलते हैं, आधा अंधेरा ऐसे बोल सकते हैं. तो जिसने भी जवाब देने के लिए गया नेचर के पुकार को, यानी कि वही शेर को जवाब देने के लिए समझ सकते हैं. ऑफ द डॉन, इसे डॉन बोलेंगे, डॉन यानी क्या होता है, डॉन यानी भोर, सुबह सुबह का समय, उसे सवेरे को हम डॉन कहते हैं. हैड बीन गॉबल्ड अप, हैड बीन गॉबल्ड अप, तो यहाँ पे आप देखेंगे हैड बीन गॉबल्ड अप मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं उसे निगल लिया गया था, उन्हें निगल लिया गया था. बाय यानी द्वारा, द मैन ईटर यानी नरभक्षी के द्वारा, यानी कि जो भी प्रकृति की पुकार को क्या करने के लिए, जवाब देने के लिए उसका, है ना, बाहर निकले निकलते थे कब, सुबह सुबह निकले थे सुबह सुबह, तो क्या कर लिया गया था उसे, उस मैन ईटर यानी नरभक्षी के द्वारा उसे, तो गॉबल्ड का मतलब क्या, निगल लेना, उसे गॉबल्ड बोलते हैं. हैड बीन गॉबल्ड, फिर निगल लिया गया था, ऐसे यूज किया जाएगा, तो उसे उनके द्वारा निगल लिया गया, यानी समझ गए. नेचर्स कॉल मतलब क्या बोल सकते हैं भाई, जो बाघ है वो भी तो प्रकृति है, तो वो भी उसे जवाब देने के लिए वो लोग गए थे कि चलो इसे मारते हैं, इसका मजा चखाते हैं, निकले थे सुबह सुबह, निकलते थे तो उन्हें भी वो निगल जाता था. अब क्या हुआ, द रूमर्स है ना, रूमर्स का मतलब क्या होता है, अफवाह को रूमर्स कहते हैं. अफवाहें ऑफ द अटैक्स यानी हमलों का, बाय द मैन ईटर, आदमखोर के हमलों का जो अफवाहें थे, वुड स्प्रेड, फैल गया था, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी फैल जाता था, फैल गया था, ऐसे यूज करेंगे, फैल जाता था, ऐसे होगा, ठीक है. सेटिंग ऑफ पैनिक, सॉरी है ना, सेटिंग ऑफ पैनिक एंड फ्राइटेंड वॉइस, तो वुड है तो ता था ती थी ऐसे, तो सेटिंग ऑफ पैनिक एंड फ्राइटेंड वॉइस, इसका मतलब क्या होता है कि जिससे क्या होता, दहशत फैल जाती थी और क्या होता था, डरावने आवाज आती थी. पैनिक क्या होता, दहशत, दहशत फैल जाती थी एंड फ्राइटेंड वॉइस, टाइगर, टाइगर, और दहशत भरी जो आवाजें फैल जाती थी, टाइगर, टाइगर यानी बाघ, बाघ, ऐसे आवाज क्या होता था वहां पे, डर के मारे फैल जाता था. स्लीपिंग वुड बिकम इम्पॉसिबल, स्लीपिंग यानी सोना, वुड बिकम हो गया था इम्पॉसिबल यानी असंभव, सोना असंभव हो गया था यानी लोग नहीं सो पाते थे. देयर वॉज ओनली वन सब्जेक्ट टॉक अबाउट ऑन रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, होम्स, फील्ड्स एंड टी शॉप्स, मैन ईटर. देयर वॉज, फिर सब्जेक्ट यूज किया गया वॉज यानी था, ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक ही विषय था, टॉक्ड अबाउट यानी जिसके बारे में क्या होता था, बात किया जाता था, एक ही चर्चा थी, उसे टॉक्ड अबाउट बोलते हैं. ऑन रेडियो, रेडियो पर केवल एक ही चर्चा थी, टीवी पर एक ही चर्चा थी, समाचार पत्रों में, घरों में, फील्ड्स यानी खेतों में, और टी शॉप्स यानी चाय की दुकानों पर, मैन ईटर यानी कि नरभक्षी, नरभक्षी, केवल मैन ईटर का ही चर्चा था, एक ही विषय का चर्चा, सब उसी के बारे में बात करते थे. द गवर्नमेंट हैड इशूड ऑर्डर टू किल और कैच द मैन ईटर एट एनी कॉस्ट, तो सरकार ने क्या की थी, हैड इशूड, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस यानी जारी किया था, उसे हम पास्ट पर, हैड इशूड ऑर्डर चाहना था आदेश को, टू किल मारने के लिए, और या कैच मारने या पकड़ने के लिए उस नरभक्षी को, एट एनी कॉस्ट का मतलब किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर उसे मारने या पकड़ने का उन्होंने घोषणा कर दिया था, आदेश जारी कर दिया था. एट द अर्लीस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि जितना जल्दी हो, एट द अर्लीस्ट का यूज किया गया यहां पे. बट द मैन ईटर, लेकिन जितनी जल्दी हो सके एट द अर्लीस्ट, बट द मैन ईटर, लेकिन जो नरभक्षी बाघ था,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर एक नया वर्ड मिल गया, तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी पेन तो हमेशा लेकर रखिए, क्योंकि अभी समझ आ जाएगा, बाद में आप लोग भूल जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, अलूडेड। देखिए लिखा ई तो बहुत से इलूडेड पढ़ रहे हैं, बट अलूडेड पढ़ते हैं। अलूडेड का मतलब क्या होता है, नहीं मिल पाया, बच निकला, उसे हम अलूडेड बोलते थे। लेकिन आदमखोर जो बाघ था वो क्या हो गया, सभी को, एवरीवन, सबको उसने चकमा दे के बच निकला, उसे हम अलूडेड कहते हैं। बच निकलना, चकमा देना, उसे अलूडेड बोलते हैं। तो लिख लीजिए, द हंटर्स इंगेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड फेल्ड टू गेट इट। द हंटर्स यानी जो शिकार थे, है ना, जिन्हें क्या किया गया था, वन विभाग द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग के द्वारा इंगेज्ड, यानी उन्हें लगाया गया था उस काम पे, इंगेज किया गया था, उसे हम इंगेज कहते हैं। तो वो भी क्या हो चुके थे, फेल्ड, हैड फेल्ड, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल हो चुके थे, असफल हो चुके थे। गेट इट यानी उसे प्राप्त करना, या उसे पकड़ने, गेट इट बोलते हैं, तो उसे गेट इट बोला जाएगा। लेकिन क्या हुआ था, उसे पाने में असफल रहे। द टूरिस्ट स्टेड अवे फ्रॉम द धुधवा रिजर्व, और जो टूरिस्ट थे, टूरिस्ट पता पर्यटक, वो जो धुड़वा अभ्यारण्य थे, धुड़वा या धुड़वा दुधवा कुछ भी होगा, आप लोग देख लेंगे, धुड़वा भी हो सकता है, तो रिजर्व से वो लोग क्या रहते थे, स्टे अवे, दूर रहते थे, स्टेड अवे सेकेंड फॉर्म में, दूर रहते थे। अब वो बाघ के नाम से वो लोग वहाँ आते ही नहीं थे, पहले तो घूमने फिरने आते थे, लेकिन बाघ के नाम से आते ही नहीं थे, पता नहीं कब हमला कर दे। अर्जुन हैड कम होम, तो अर्जुन फिर हैड के साथ देखिए, कम केम कम, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर भी, तो आया था ऐसे होम, घर आया था, थ्री मंथ्स बैक यानी 3 महीने पहले, आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्ति जिसे कहते हैं, नौकरी से कंप्लीट हो जाता है, सर रिटायरमेंट कहते हैं, फ्रॉम द आर्मी सर्विस, तो अब वो है ना सेना की नौकरी से रिटायर होकर अभी 3 महीने पहले ही घर आया था। लिविंग होल्ड अप इन होम ड्यू टू फियर, लिविंग यानी होता है रहना, होल्ड अप का मतलब क्या, छिप कर रहना, उसे हम होल्ड अप कहते हैं, घर में छिप कर रहना, ड्यू टू के कारण, फियर ऑफ द मैन ईटर, फियर एंड डर के, किसके डर के, मैन ईटर यानी उस नरभक्षी के डर के कारण, आदमखोर के डर से घर में छिप कर रहना, क्या था, डिडंट गो वेल विथ हिम, डिडंट गो वेल, गो वेल यानी तो ठीक होना, विथ हिम यानी उसके लिए ठीक नहीं था, यानी आदमखोर के डर से घर में छिपकर रहना उसके लिए ठीक नहीं था, तो उसे हम क्या बोला, डिडंट गो वेल, ये आर्मी ऑफिसर है, एक बाघ से डर के छिपके रहना उसके लिए ठीक नहीं था, उसकी इज्जत की बात थी भाई, है ना, सेना के जवान ही डर जाए फिर हमारी क्या औकात है। इट वॉज अ मैटर ऑफ शेम, है ना, इट वॉज अ मैटर, ये क्या था, मैटर यानी होता है मामला, ऑफ शेम ऐसे बोल सकते हैं, यानी शर्म की बात थी, ऐसे बोल सकते, ये शर्म की बात थी। अर्जुन हैड मेड अप हिज माइंड, तो अर्जुन ने मेड अप यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि तैयार कर लेना, मन मना लेना, उसे मेड अप बोलते हैं, मन मना लिया था, माइंड यानी मन, अपना मन मना लिया, टू किल द बीस्ट और गेट किल्ड, है ना, टू किल द बीस्ट, बीस्ट यानी क्या था, जानवर, चौपाया, चार पैर वाले जानवर को बीस्ट कहा जाता है, तो जानवर को मारने का, और या फिर गेट किल्ड, गेट किल्ड का मतलब क्या हो जाता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि खुद ही मर जाना, ऐसे बोलते हैं, तो उसने क्या किया, उस जानवर को मारने का या खुद मारे जाने का मन बना लिया, या तो मैं उसे मारूंगा या तो खुद मर जाऊंगा, उसे गेट किल्ड कहा, ऐसे कहा गया है, तो अब उसने मन में फैसला बना, मारूंगा तो खुद मर जाऊंगा। ही ऑलवेज वेंचर्ड आउट विथ हिज लीगल डबल बैरल गन, है ना, ही ऑलवेज, वो हमेशा, वेंचर्ड आउट का मतलब क्या होता है, जोखिम उठाकर बाहर निकलने को वेंचर्ड आउट बोलते हैं, और वैसे नॉर्मल में बोले जाए तो बाहर निकलने को वेंचर आउट कहा जाता है, लेकिन जोखिम उठाकर काम करने को वेंचर कहा जाता है, तो हमेशा बाहर निकलता था विथ यानी साथ में, हिस लीगल, लीगल यानी कानूनी डबल बैरल गन, डबल बैरल यानी दो नली वाले गन को डबल बैरल, पहले क्या रहता था ऐसे, जैसे गन है लंबी वाली तो एक नली और एक और बगल में दो नली रहती थी, और ऐसे ही गन रहता था यहाँ पे उसका, है ना, ट्रिगर रहता था डबल बैरल, एक दो ही गोली रहती थी उसमें, एक बार में एक गोली, फिर दूसरे गन से दूसरे ट्रिगर दबाओ तो दूसरी गोली निकलती, बस दो ही गोली चलती थी, बार बार भरना पड़ता था, आजकल तो दुनिया भर का गन वगैरह सब आ गया, तो उसके पास दो डबल बैरल गन थी, अभी भी आपको देखने मिलता होगा जैसे बैंक वगैरह में जाएंगे ना, कंधे पर लटकाए रहते हैं वो है, उसके साथ बाहर निकल जाता। अर्जुन हैड ओपनड अप अ लाइमस्टोन पाउडर डिपो रिसेंटली, तो अर्जुन ने हैड ओपनड अप यानी खोला था, ऐसे बोलेंगे, हाल में ही क्या खोला था,
लाइमस्टोन पाउडर, लाइमस्टोन का मतलब पता है आपको किसे बोलते हैं? लाइम से तो आप बोलेंगे सर नींबू से संबंधित होगा, नहीं, लाइमस्टोन का मतलब चूना, चूना पत्थर के पाउडर, यानी हम बोल सकते हैं चूना पाउडर बोल सकते हैं, है ना। डिपोट, तो इसे हम डिपो पढ़ेंगे, डिपोट नहीं पढ़ेंगे, लिखा डिपोट रहता है बट इसे डिपो पढ़ा जाता है। डिपो का मतलब क्या होता है? गोदाम, उसे हम डिपो कहते हैं। रिसेंटली यानी हाल में ही, तो अर्जुन ने हाल में ही चूना पत्थर पाउडर का एक गोदाम खोला था। ही न्यू, वह जानता था, अ रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर, यानी एक जो सेवानिवृत्त निवृत्त जो सेना का ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर है ना उसका जो मुखिया होता है उसे ब्रिगेडियर कहते हैं, हु हैड अ लाइमस्टोन क्रशिंग प्लांट, जिसके पास है ना क्या था, एक लाइमस्टोन क्रशिंग प्लांट यानी चूना पत्थर पीसने का कारखाना था, वो उसे जानता था, जो अर्जुन था एक रिटायर आर्मी ब्रिगेडियर को जानता था जिसके पास एक ये प्लांट था, एट देहरादून, देहरादून में क्रश करना होता है चूरा करना है ना, उसे क्रश करते हैं। हैंस इसलिए, ही गॉट लाइम पाउडर फ्रॉम दिस प्लांट फॉर द रिटेल सेल इन हिज विलेज, तो इसलिए वो क्या करता था, इसलिए उन्हें अपने गांव में खुदरा बिक्री के लिए है ना इस संयंत्र से चूना पाउडर मिलता था। यानी रिटेल यानी क्या होता है, जैसे होलसेल होता है, एक साथ होल में बेचते पूरा होलसेल, और रिटेल यानी होता है खुदरा, थोड़ा 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 मात्रा में उसे खुदरा कहते हैं, रिटेल कहते हैं। इसलिए उसे कहाँ से मिलता था, उसे प्लांट से थोड़ा थोड़ा बेचने मिलता था। अर्जुन वॉज अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट, तो अर्जुन वॉज अर्निंग, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म में रहा था, रही थी। रीजनेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि उचित दाम, उचित मुनाफा, उसे रीजनेबल प्रॉफिट कहते थे। तो अर्जुन क्या कमा रहा था, उससे उचित लाभ ले रहा था, टू मेक द कंफर्टेबल लिविंग, है ना, कंफर्टेबल लिविंग यानी आरामदायक, आरामदायक जीवन के लिए जो मुनाफा था, उचित मुनाफा था, वो कमा रहा था उससे, यानी मिल जा रहा था इतना चाहिए था। इनफैक्ट, वास्तव में, ही हैड एम्प्लॉयड अ हेल्पर टू, ही हैड एम्प्लॉयड यानी उसने एम्प्लॉयड यानी काम पे रखा था, अ हेल्पर टू, हेल्पर यानी मदद करने वाला, टू यानी भी, उसने एक मदद करने वाला हेल्पर भी रखा हुआ था, यानी ठीक ठाक कमाई हो रही थी। ऑन दैट डे, उस दिन, तो हम उसे ऑन दैट डे बोलते हैं, अर्जुन गॉट डिलेड एट हिज शॉप, गॉट डिलेड यानी अर्जुन को क्या हो गई थी, देरी हो गई अपने दुकान पर। अदर शॉप्स, जो दूसरे दुकान थे, हैड क्लोज्ड, बंद हो चुका था, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, सेकेंड भी क्लोज्ड होता है, थर्ड भी क्लोज होता है, क्लोज्ड अप है ना, अ गुड टाइम अगो, वैसे बोल सकते ना कि काफ़ी समय पहले ही बंद हो गई थी। द स्ट्रीट वॉज डिजर्टेड, अब डिजर्टेड यानी ऐसे लग रहा है कि रेगिस्तान बन गया होगा सर, डिजर्ट यानी रेगिस्तान नहीं, डिजर्टेड का मतलब वीरान हो जाना, सुनसान हो जाना, लिख लीजिए, उसे हम डिजर्टेड बोलते हैं। स्ट्रीट यानी हम जैसे बोलते हैं ना सड़कें, गलियां, दोनों होता है, तो सड़क सुनसान थी। अर्जुन वॉज बिजी इन मेंटेनिंग हिज शॉप, अर्जुन व्यस्त था इन मेंटेनिंग यानी होता है रख रखाव में, हिज शॉप, अपने शॉप को, शॉप लेजर, लेजर यानी जैसे पंजी होता है ना दुकान का खाता, उसे हम लेजर कहते हैं, अकाउंट वाले होंगे तो जानते ही होंगे, बही खाता जैसे बोल सकते हैं, तो दुकान का बही खाता संभालने में व्यस्त था। द हेल्पर वॉज पुटिंग कवर्स, दो हेल्पर्स, जो हेल्पर था उसका सहायक बोल सकते हैं, पुटिंग डाल रहा था कवर्स, कवर्स का मतलब क्या होता है, जो ढकने का होता है, ऑन द हीप्स, हीप्स यानी क्या होता है, हीप यानी ढेर होता है, उसे हीप्स कहा जाता है, हीप्स ऑफ लाइम पाउडर लाइंग अराउंड, जो चारों तरफ जो चूने का पाउडर था वो क्या हुआ था, फैला हुआ था, उसके ढेर को हीप कहते हैं, चूने पाउडर का जो ढेर था उसके ऊपर वो कवर चढ़ा रहा था, ढक रहा था, ठीक है, लाइंग अराउंड यानी चारों ओर पड़े हुए थे उसे लाइंग कहते हैं। सडनली, अचानक से, देयर वॉज अ जिपिंग साउंड, वहाँ एक जिपिंग साउंड आया, तो जैसे बोलते हैं ना कि एक झटके की आवाज है ना, जिपिंग साउंड, धम वाला आवाज, जिपिंग साउंड, एंड सम हैवी थिंग, और कुछ भारी चीज फेल, गिरा, फॉल का सेंड फेल, ऑन द हेल्पर, और कुछ भारी चीज हेल्पर के ऊपर गिरी, एंड द पुअर हेल्पर, और बेचारा, पुअर यानी गरीब भी होता है, पुअर यानी बेचारा, हेल्पर बेचारा, जो मदद करने वाला जो हेल्पर था, मददगार था,
वॉज डाउन ऑन द फ्लोर ब्लडीड, लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ा। ब्लडीड ने लहूलुहान होना, फ्लोर यानी क्या होता है फर्श, फर्श पर गिर पड़ा लहूलुहान होकर। अर्जुन इंस्टेंटली न्यू, अर्जुन तुरंत जान गया था, पता चल गया था दैट कि द मैन ईटर हैड स्ट्रक। तो आदमखोर ने क्या कहते हैं हैड स्ट्रक, हमला कर दिया था। तो हैड का स्ट्रक क्या होता है, किसी को मारना, हमला करने को स्ट्रक कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस फिर आ गया, वो जान गया था कि आदमखोर ने हमला कर दिया था। टॉर्न पीस ऑफ फ्लैश हंग लूज फ्रॉम द साइड ऑफ द नेक। टॉर्न पीस ऑफ फ्लैश, टॉर्न यानी क्या होता है फटा हुआ टुकड़ा, फ्लैश यानी मांस को फ्लैश कहा जाता है। तो मांस का फटा हुआ टुकड़ा लूज फ्रॉम द साइड, लटका हुआ था, ऑफ द नेक गर्दन के तरफ है ना, गर्दन के तरफ क्या हुआ था, दाहिने कंधे की तरफ से लटका हुआ था। एंड द राइट शोल्डर्स, राइट शोल्डर है ना, और जो दाहिने कंधे में ऑफ द हेल्पर, ठीक है, दाहिने कंधे का जो साइड ऑफ द नेक एंड द राइट शोल्डर, हाँ दोनों जगह उसको चोट लगी थी, यानी मांस का फटा हुआ टुकड़ा जो हेल्पर था उसकी गर्दन और दाहिने कंधे की तरफ से लटका हुआ था, गर्दन और दाहिने कंधे उसका मांस लटका हुआ था। देयर वॉज ब्लड ऑल ओवर, यानी कि हर तरफ खून बिखरा हुआ था। अर्जुन गेस दैट, अर्जुन ने अनुमान लगाया कि द मैन ईटर हैड फेल्ड, कि जो आदमखोर था हैड फेल्ड यानी असफल हो गया था। टू ड्रैग अवे, ड्रैग अवे मतलब खींच के ले जाने में उसे ड्रैग अवे बोलते हैं। हिज विक्टम, इसे विक्टिम नहीं पढ़ेंगे, विक्टम पढ़ेंगे। विक्टम का मतलब शिकार को विक्टम कहा जाता है, ठीक है, शिकार उसे विक्टम कहते हैं। इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया, इतना ठीक था, हाँ इतना ठीक है, नहीं नहीं दिख रहा, यही ठीक है, इतना दिख रहा है। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना कि पहली बार कोशिश करना उसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट कहते हैं। तो उसने क्या किया, अपने पहले प्रयास में उसे खींचने में असफल रहा, यानी खींच नहीं पाया था उसे, उस मांस खाने के लिए उसका नहीं खींच पाया। सो इसलिए इट मस्ट बी वेटिंग नियर बाई समवेयर टू फिनिश इट जॉब। मस्ट बी यानी शायद को मस्ट बी या होना चाहिए ऐसे यूज करते हैं। वेटिंग नियर बाई यानी पास के, समवेयर यानी कहीं, टू फिनिश इट जॉब। तो अब वो समझ आ गया उसे, तो अपना काम पूरा करने के लिए पास में ही कहीं इंतजार कर रहा होगा, शायद इंतजार कर रहा होगा। अर्जुन ग्रैब्ड हिज गन, अर्जुन ग्रैब्ड यानी मतलब पकड़ना, उसे ग्रैब कहते हैं, अपनी गन पकड़ ली। एंड लेफ्ट टूवर्ड्स द इंजर्ड हेल्पर, लेफ्ट यानी होता है छलांग लगाना, लीप का लेफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स की ओर द इंजर्ड हेल्पर, अपने चोटिल हेल्पर की ओर उसने छलांग लगाई यानी तेजी से गया। ही सेट डाउन बिसाइड द हेल्पर, सेट डाउन बैठ गया, बिसाइड यानी बगल में, हेल्पर हेल्पर के बगल में बैठ गया। वेटिंग फॉर द मैन ईटर टू अपीयर, वेटिंग यानी इंतजार करते हुए, फॉर यानी के लिए, मैन ईटर अपीयर यानी प्रकट होना, दिखाई देना, उसे अपीयर बोलते हैं। और सहायक के पास बैठ गया, नरभक्षी के आने का इंतजार करने लगा। ही हैड हिज गन, उसके पास उसकी गन थी, रेडी तैयार, इन शूटिंग पोजीशन यानी कि बोलते हैं ना मारने की स्थिति में, बंदूक चलाने की स्थिति में तैयार थी, बंदूक ले खड़ा था। एंड हिज आईज, और उसकी आंखें है ना, प्रॉप द डार्कनेस विथ विच द मैन ईटर हैड डिसअपीयर्ड, और उसकी आंखें क्या कर रही थी, जांच कर रही थी, ढूंढ रही थी अंधेरे में किसे, मैनिटर को, हैज डिसअपीयर्ड, है डिसअपीयर्ड विच द मैनिटर, जहां, और उसकी आंखें उस अंधेरे की जांच कर रही थी जिसके साथ नरभक्षी क्या हो गया था, गायब हो गया था उस अंधेरे में। फिर क्या हुआ देखिए, बेंडिंग आने वाला है, एक पेज बचा हुआ है। ही थॉट ऑफ फायरिंग अ ब्लैंक, ही थॉट उसने सोचा, थॉट ऑफ विचार किया, फायरिंग अ ब्लैंक टू वॉर्न अदर और ब्रिंग हेल्प एंड पुल द टाइगर। तो उसने क्या किया, दूसरों को चेतावनी देने के लिए या मदद करने के लिए क्या किया, ब्लैंक फायर करने के बारे में सोचा कि ऐसे ही इधर उधर कहीं भी गोली चला देता हूं तो लोग कम से कम आवाज सुन के आएंगे, मदद करेंगे। नथिंग हैपन्ड, कुछ भी नहीं हुआ, यानी एक गोली चला दी है लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो डर के कारण कोई आदमी आते नहीं थे, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। समथिंग वॉज रॉन्ग,
कुछ तो गलत था विद द, यहाँ जैसे बंदूक का हम बोलते हैं ना कार्ट्रेज बोलते हैं ना, वही होता है, ठीक है। तो कुछ तो गलत था कार्ट्रेज में, कार्ट्रेज यानी कारतूस होता है, उसे कार्ट्रेज कहा जाता है, कि कारतूस में कुछ गड़बड़ थी। एंड देयर वॉज ओनली वन इन द गन ऑन दैट डे, और क्या था उस दिन बंदूक में केवल एक ही था, यानी कि उस दिन दो गोली नहीं थी बंदूक में, केवल एक ही गोली थी। द टाइम वॉज रनिंग आउट, अब एक तो गोली चला चुका था, एक ही बचा था, तो समय क्या हो रहा था, वॉज रनिंग आउट का मतलब होता है खत्म होता जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द मैन ईटर हैड टेस्टेड ब्लड, और नरभक्षी ने खून का स्वाद क्या कर लिया था, चख लिया था, चख चुका था, यहाँ पर भी हेड के साथ टेस्ट का टेस्टेड आ गया, स्वाद चखना को टेस्ट करना बोलते हैं, खून का स्वाद चख लिया था। इट वुड, है ना, अपीयर एनी मोमेंट टू क्लेम इट क्या किल, तो वो क्या कर सकता था, अपीयर यानी प्रकट हो सकता था, एनी मोमेंट किसी भी समय, इट वुड अपीयर यानी प्रकट होगा किसी भी समय, दिखाई देगा, टू क्लेम यानी दावा करने के लिए, इट्स किल यानी बोलते हैं ना कि आप जो अपने जो शिकार को, अपना जो मारा हुआ है, अपने हत्या जो किया है उसका दावा करने को कभी भी आ सकता था कि मैंने इसे मारा है, दो इस प्रकार से। एंड द हेल्पर नीडेड क्विकली टेकन टू द हॉस्पिटल, और जो हेल्पर था जो अभी भी जीवित था, नीडेड जरूरत थी क्विकली यानी तुरंत टेकन ले जाने की टू द हॉस्पिटल, और सहायक को है ना तुरंत क्या फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट का मतलब होता है आपातकालीन उपचार जो बोलते हैं ना उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट, और सहायक को आपातकालीन उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाने की आवश्यकता थी। अर्जुन स्ट्रगल टू पुल आउट द जैम कार्ट्रिज, है ना, तो जो कार्ट्रिज था, जैम कार्ट्रिज मतलब जो जाम हो चुका था, फ्रॉम द गन, और अर्जुन ने बंदूक में फंसे कारतूस को निकालने के लिए क्या की, पुल आउट ने बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, कोशिश की। जस्ट देन, ठीक तभी, यानी बंदूक फंस गया था, बस कुछ गोली एक ही थी लेकिन उसमें भी कारतूस फंस गई थी। टू ब्राइट डॉट्स शिमरन इन द डार्कनेस, शिमरन ऐसे होता है, शिमरन होगा, शिमरन, शिमरन एन भी लिखा हुआ, शिमरन का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं झिलमिलाना, उसे शिमरन बोलते हैं। तो दो चमकीली आंखें क्या हुई, टिमटिमाई, टिमटिमाना, जगमगाना, सिमरन कहते हैं। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, इट हैड कम, तो वो आ चुका था, इट हैड कम मतलब वो आ चुका था। देयर वॉज नो टाइम टू रिलोड द गन, और बंदूक को फिर से लोड करने का टाइम नहीं था कि ऐसे फिर से लोड करे। अर्जुन फ्रोज इन कन्फ्यूजन, फ्रोज यानी बोलते ना जम गया था, ऐसे भी बोलते हैं, तो अर्जुन इन कन्फ्यूजन यानी असमंजस में वो क्या हो गया था, ठिठक गया था, फ्रोज होना, जम जाना, नॉट नोइंग वॉट टू डू, और समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। द शिमरिंग डॉट्स वर मूविंग क्लोजर टू हिम, और जो टिमटिमाती हुए दो बिंदुएं थी, क्या थी आप सभी को जान रहे, दो बिंदु टिमटिमाते हुए ऐसे वाइट कलर की, तो राइट में वाइट दिखता है पता ना, आंखें टिमटिमाती हुई क्या हो रही थी, उसके वर मूविंग क्लोजर टू हिम, उसके पास आ रही थी, चल के उसके पास आ रही थी, ऐसे यूज किया, झिलमिलाती हुई बिंदु उसके करीब आते जा रही थी। द लाइट वॉज डिम, और जो रोशनी थी वो डिम यानी बहुत ही धीमी थी। ओनली वन पेट्रोमैक्स वॉज अलाइट, केवल एक पेट्रोमैक्स का मतलब क्या होता है, लालटेन बोलते हैं ना उसे, पेट्रोमैक्स कहा जाता है, अलाइट, केवल एक लालटेन जल रहा था, जली हुई थी। इन द फार अवे बरामदा, फार अवे ने बहुत दूर बरामदे में केवल एक ही लालटेन जली हुई थी, बाकी अंधेरे ही अंधेरा था। मीन वाइल, इस बीच, इस दौरान, द डेथ वॉज स्टॉकिंग हिम, स्टॉक यानी क्या होता है, पीछा करना, उसे स्टॉक बोलते हैं, स्टॉकिंग बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, स्टॉकिंग हिम, तो मौत उसका पीछा कर रहा था, ऐसे यूज होगा, ठीक है, स्टॉकिंग यानी पीछा करना, इस दौरान मौत उसका पीछा कर रही थी। द टाइम हैड रन आउट, समय खत्म हो चुका था। एन आइडिया हिट अर्जुन, तो अर्जुन के दिमाग में एक विचार आया। ही टॉस्ड अवे द गन, टॉस्ड अवे ने दूर फेंक दिया, उसे टॉस्ड अवे बोलते हैं, उसने क्या कर दिया, गन को फेंक दिया। एंड पिक्ड अप द ट्रे फुल ऑफ द लाइम पाउडर, और एक ट्रे यानी एक बर्तन को उसने क्या कर लिया, उठा लिया।
ट्रे को उठा लिया, चूना चूना का पाउडर का, विथ बोथ हिज हैंड, अपने दोनों हाथों में। देन तब अर्जुन स्टूड इन वेट, तो अर्जुन इंतजार में क्या हो गया, खड़ा हो गया ना, घात लगाकर खड़ा हो गया। एज सून एज द मैन ईटर लेफ्ट एट द फ्लोड हेल्पर, एज सून एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही नरभक्षी ने फर्श पर पड़े सहायक पर क्या की, छलांग लगाई, फिर लीप का लेफ्ट हो गया। ही टॉस्ड द एंटायर पाउडर, फिर उसने टॉस्ड फेंक दिया पूरे एंटायर पूरा पूरे पाउडर को इन टू द फेस ऑफ द मैन ईटर टाइगर, उस नरभक्षी बाघ के चेहरे पर पूरे के पूरे चूना के पाउडर को उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। द पाउडर हैड इन्वेडेड द आइस, तो जो पाउडर था है ना वो क्या हो गया था, हैड इन्वेडेड द आइस। तो यहाँ जैसे बोलते ना इन्वेडेड का मतलब क्या होता है, पूरा जैसे बोलना चाहिए अंदर घुस जाना, उसे इन्वेडेड कहते हैं मेरे ख्याल से, अंदर घुस जाना उसे इन्वेडेड कर, आक्रमण कर देना ऐसे होता है, इन्वेडेड ने आक्रमण कर देना वो भी होता है। तो उसने कहाँ पर आक्रमण कर दिया, चूने ने आँखों पर, मुंह पर, एंड द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स मतलब क्या होता है, जो नाक के नथुने होते हैं ना छेद, उसे नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, ऑफ द टाइगर। तो उसने बाघ के पूरे आँख नाक कान मुंह जहाँ पर था नथुने में काफ़ी मात्रा में क्या कर लिया था, प्रवेश कर लिया था, पाउडर घुस गया था, तो उसकी जो आँखें थी वो सब चीज़ है ना, इन गुड मेजर्स, काफ़ी मात्रा में ऐसे बोल सकते हैं उसे, गुड मेजर्स मतलब होता है काफ़ी मात्रा में। इट गॉट ब्लाइंडेड है ना, उसे इट यानी ये क्या, गॉट ब्लाइंडेड यानी उससे क्या हो गया, हम बोल सकते हैं अंधा कर दिया। एंड सफोकेटेड, इसका मतलब दम घुटने लगना, सफोकेटेड बोलते हैं, दम घुटने लगा। मेकिंग इट स्वर्व टू वन साइड, स्वर्व का मतलब क्या होता है, एक तरफ मुड़ने को स्वर्व कहते हैं, और उसे एक तरफ झुका दिया, तो मेक का मेकिंग बन गया पॉजिटिव वर्ब है। एंड द टाइगर्स हेड, और जो शेर का सिर था, हिट अ बिग हीप, और टकरा गया, बिग हीप ऑफ लाइम पाउडर यानी जो चूने पत्थर का बड़ा सा ढेर था उसमें क्या हो गया, वो टकरा गया, यानी चूना पत्थर क्या रहता है, बहुत ही मजबूत रहता है, उसके पाउडर के हीप में टकरा गया। एंड गॉड बरीड, और उसमें टकरा कर दब गया, यानी पाउडर था उसके उसमें टकराया और उसके अंदर दब गया, बहुत सारा चूना का पाउडर था, बरीड यानी दफना देना, दब जाना। नाउ द लाइम पाउडर रिएक्टेड, अब जो चूने का पत्थर ने प्रतिक्रिया की, चूना पत्थर जलता है जानते हो आप, एज इट डिजॉल्व इन द वेटनेस ऑफ द आइज, एज यानी जैसे ही है ना, इट डिजॉल्व, डिजॉल्व मतलब क्या होता है, अब चूना प्रतिक्रिया करता है, जैसे ही वो क्या हुआ है ना, डिजॉल्व ने घुल गया उसकी वेटनेस यानी गीलेपन में, ऑफ द आँख है ना, आँखों के गीलेपन में, उसे वेटनेस बोलते हैं, नमी जिसे कहते हैं, आँखों के नमी में वो घुल गया। नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ, मुँह और नाक नथुने पर जो गीलापन रहता है उसमें चूना घुल गया। अ बरीड हीट टॉर्मेंट है ना, अब जो बरीड हीट द बीस्ट, अब यहाँ पर फिर आपको एक नया वर्ड मिल रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेड मतलब सताना, परेशान करना, ऐसे होता है पीड़ा देना, ये होगा। तो एक जलती हुई गर्मी, अब चूना जलाता है, आपसे पता है एकदम चूना जलता है ना, हाथ वाथ कभी पहले पुताई करते थे बहुत जलता था, तो उसने क्या कर दिया, उस बीस्ट को, उस जानवर को परेशान कर दिया, उसने बहुत ज़्यादा पीड़ा में डाल दिया, उसे हम टॉर्मेंटेड कहते हैं। इट रोड इन, इट रोड यानी वो, रोड यानी क्या होता है, दहाड़ना, दहाड़ने लगा, किस में दहाड़ने लगा, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एग्नी पढ़ते, एगोनी नहीं पढ़ेंगे, एग्नी पढ़ेंगे, एग्नी यानी एग्नी का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि पीड़ा, दर्द, दर्द में दहाड़ने लगा। एंड द एंटायर एरिया, और पूरा जो क्षेत्र था है ना वो क्या हो गया, एकोड, एकोड यानी बोलते हैं ना, एको बढ़ा दो भैया, गूंजता है एको, हेलो हेलो हेलो, तीन बार, उसे एकोड कहते पे। और पूरा जो क्षेत्र था आसपास का वो क्या हुआ, गूंज उठा। अर्जुन गॉट इनफ चांस टू लोड, अब अर्जुन के पास गॉट यानी मिला, इनफ चांस यानी काफ़ी उसे मौका मिल गया था टू लोड हिज गन, अपने गन को फिर से लोड करने के लिए अब काफ़ी मौका मिल गया था, क्योंकि वो अपने दर्द में तड़प रहा था। एंड पुल बोथ द ट्रिगर्स विद द गन बैरल्स एम्ड एट द पाउडर्ड टाइगर,
और उसने जो पाउडर टाइगर मतलब जो है ना चूने पाउडर में जो लिपटा हुआ जो शेर था सॉरी बाघ था उसके ऊपर उसने क्या किया, पूरे जो ट्रिगर था दोनों जो ट्रिगर था बंदूक के जो बटन था उसे क्या कर दिया, अच्छे से दबा दिया, निशाना लगा दिया उसने। तो अपनी बंदूक लोड करके पाउडर वाले बाघ को निशाना बनाकर बैरल से दोनों ट्रिगर खींचने का पूरा समय मिल गया था। द बीस्ट हैड नो चांस, अब जानवर के पास कोई मौका नहीं था, जानवर के पास कोई मौका नहीं था। राइट देन, ठीक तभी, तुम राइट देन तभी द नेबरहुड पीपल रश इन विथ आर्म्स, जो पड़ोसी लोग थे है ना, रश यानी भागे, विथ आर्म मतलब वहाँ पहुँचे तेजी से आए, रश बोलते हैं, आर्म्स यानी हथियारों और टॉर्चेस टॉर्च के साथ। दे जम्प्ड विथ जॉय, वो खुशी से कूदे, एट फाइंडिंग द मैन इट अ डेड, फाइंडिंग यानी पाकर मरे हुए, उस नरभक्षी को मरा हुआ पाकर खुशी से उछल पड़े। इट्स बॉडी, उसका शरीर है ना, प्लास्टर्ड विद ब्लड, प्लास्टर्ड यानी हम बोलते हैं लिपटा हुआ था, ऐसे बोल सकते हैं, खून से और लाइम पाउडर चूने के पाउडर से लथपथ था, लिपटा हुआ था। अर्जुन नरेटेड द एंटायर स्टोरी ऑफ द एनकाउंटर विद प्राइड एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और अर्जुन ने मुठभेड़ की जो पूरी कहानी गर्व के साथ और सभी को प्रसन्न करते हुए सुनाई। डिलाइट है ना प्रसन्न करना, और इनकाउंटर मतलब जो भिड़ंत होता है ना, जो मुकाबला होता है उसे इनकाउंटर कहते हैं। द इंजर्ड हेल्पर वॉज रश टू द हॉस्पिटल, और जो घायल हेल्पर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। द न्यूज़ पेपर्स कैरीड द स्टोरी विद ग्रेट पिक्चर ऑफ अर्जुन एंड द मैन ईटर, क्या लिखा हुआ है, हेडलाइन है ना, हेडलिंग्स लिखा हुआ है, हेडलिंग्स यानी कि अखबारों ने अर्जुन और नरभक्षी की शानदार तस्वीरों के साथ यह कहानी छापी जिसका शीर्षक था, तो हेडलाइंस होता ना हेडलाइन, तो हेडलाइनिंग लिखा हुआ है, सॉरी हेडलाइनिंग लिखा हुआ है, तो हेडलाइनिंग के साथ कौन सा हेडलाइन दिए थे देखिए ना, न्यूज़पेपर यही मेन स्टोरी का आप देखिए। द टाइगर ऑफ द आर्मी यानी सेना का बाघ किल्स, मारता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस मार है ना, द मीन ईटर टाइगर सॉरी मैन ईटर टाइगर, सेना के बाघ ने नरभक्षी बाघ को मार डाला, ऐसे छापा था। बट अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालते यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेना का जो बाघ वो क्या करता है, नरभक्षी बाघ को मारता है, ऐसे है। बट जैसे समझाना है तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर में ज़्यादातर लिखा जाता है कि सेना के बाघ ने नरभक्षी बाघ को मार डाला। अब ये सेना का बाघ कौन था, हम जैसे बोलते हैं ना शेर बोलते हैं, यानी कि हमारे जो सिपाही हैं वो शेर हैं बाघ हैं, तो सेना के बाघ ने उस बाघ को नरभक्षी बाघ को मार डाला, एक बाघ ने दूसरे बाघ को मार डाला, तो है ना ये है देखिए कमलेश भट्ट कमल इनका नाम है, इन्होंने स्टोरी को लिखी थी। अभी सत्य घटना क्या है नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही हिम्मत वाली कहानी है, अपने लिए नहीं, उसने देखिए अपने हेल्पर की मदद के लिए। भाई लोग तो अपने आजकल ऐसे हो गए हैं कि बहुत से लोग नहीं बोल सकते, कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई परिवार वाले पर ऐसे कोई मारने आ जाए पीटने आ जाए तो पहले ही खुद भाग जाते हैं, भाई अपना जान बचाओ, मरता है तो मरने दो, भाई बहन को छोड़ के भाग जाएंगे, दोस्त यार को छोड़, बहुत कुछ लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, बहुत से लोग रहते हैं, अभी अभी कुछ कुछ और मिला होगा सेना के जवान जो थे है ना, वो लोग अपनी जान बलिदान कर दिए दूसरों की मदद के लिए। खैर सेना के जवान तो करते ही करते, उनका तो जीवन उसी में चले जाता है कि वो हमारे लिए ही जीते हैं, सबको बोलते पेमेंट है पेमेंट है, भैया आपको दे देंगे हम 1,00,000 रुपए, बोलेंगे ठीक है आपको 1-1 करोड़ रुपए दे देते हैं, आप जाइए दिन रात आप वहाँ पे पहरे दीजिए। ये सबके लिए संभव बात नहीं, पैसे ही सब कुछ नहीं होता, पैसे पे मत आप तौलिया करें, तौले करें फौजी भाइयों का जो हमारे सेना के हैं है ना, CRPF के हैं, हमारे नेवी हैं, सब पैसे बस मत तौलिए कभी भी, क्योंकि बहुत अंतर है यहाँ से देखना और उस लाइफ को जीना, जमीन आसमान का फर्क है। ये जान रोज जोखिम में डालते हैं, रोज के रोज, पता नहीं कहाँ से गोली पड़ जाए, पता नहीं कब गाड़ी है ना बम से उड़ा दे, पता नहीं क्या क्या ना हो जाए, ये जान बड़ी चीज़ होती है, लेकिन वो हमारे लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, उनका परिवार पूरा देश है। तो देखिए ये आर्मी रिटायर होने के बाद भी इसके मन में आया कि नहीं मैं छिपके नहीं जी सकता, मेरी मैं एक फौजी हूँ, मैं ऐसे डर के नहीं रह सकता, मुझे उस बाघ के डर से है ना
जो डर है इस गांव में उसे मुझे दूर करना ही होगा। और देखिए बंदूक नहीं चला उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, और वैसे ही फौजी भाई तो हिम्मत वाले होते ही हैं, और उसने चूना पत्थर को फेंक कर, चूना पाउडर को फेंक कर उसके आँख नाक कान में उसे घायल कर दिया, उसके बाद उसने बंदूक से उसे मार डाला। भाई ये थी आज की स्टोरी, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम का जो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पर इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।